तो दोस्तों रेडी है ना, तो चले फिर। हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है ज़ैन खान और आप देख रहे हैं ज़ैन खान व्लॉग्स। हाँ तो भाई दोस्तों, जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं मतलब कि डे वन से, उन लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे मिनी जू की हालात कैसे थे और अब हमने स्लो स्लो करके इसको कितना अच्छा बना लिया है। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज भी मैं करने वाला हूँ अपने मिनी जू की थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मतलब की मॉडिफिकेशन और कलरिंग। तो आप लोगों को आज की वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज जो है वो काफी ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। दोस्तों ये तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस दीवार में मतलब कि कलर फर्क इन लोगों का डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन मुझे भी जो है वो इस तरह से मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वाइट वाइट है। अगर इसमें इसी तरह से मैं जो हूँ वो पैटर्न बनाऊ तो बहुत ही आला और जबरदस्त लगेगा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ पर भी जो दो जगह छुटी हुई है यहाँ पर भी मैं करूंगा बिल्कुल सेम ऐसे ही ब्लू कलर, और यहाँ पर होगा हमारा ब्राउन कलर का पैटर्न। तो फिर चले दोस्तों देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपना काम, और मैं शुरू करूंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अभी धूप नहीं है और वहां पर धूप है, तो भाई धूप से बचना चाहिए। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है वो वाले कलर जिससे मैं बनाता हूँ अपने वॉल का पैटर्न मतलब के आर्ट। और यहाँ पर जो है मेरे पास मौजूद है कलर, थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसमें है पानी। तो चले फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। जो है उसमें थोड़ा सा पानी कम करना पड़ेगा ताकि हमारा कलर जो है वो लाइट ना हो जाए। यहाँ पर मैंने जो है वो सिर्फ एक कलर शामिल किया है, ये वाला। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ग्लव्स पहन लेना चाहिए वरना हाथ की हालत पहले की तरह खराब हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों मुझे जो है वो मेरा पुराना वाला फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्म मिला है, इससे काम चल जाएगा। और ये जब इस तरह से दीवार पे लगेगा ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा पहले से। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी एक साइड की वॉल आर्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग कितना ही प्यारा लग रहा है हमारा ये वाला बैकग्राउंड। और अब बारी है सिर्फ और सिर्फ इस वाले बैकग्राउंड की। तो मैंने जो है वो यहाँ नीचे नीचे व्हाइट कलर कर दिया है, उस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों, लेकिन फिर अचानक से जो है वो काफी अच्छा लगने लगा। और फिर जो थोड़ा सा ब्लू कलर बच गया था वो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर कर दिया, जिसकी वजह से लुक अच्छा आएगा। तो चले फटाफट से ये वाला बैकग्राउंड बनाते हैं, और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्यारा बैकग्राउंड हमारा यही वाला लगेगा। तो चले देखते कैसा लगता है। अभी पहले मैं पानी पी लूं, थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हाँ देखो दोस्तों, जब मैं नीचे जा ही रहा हूँ तो फिर अपने रैबिट्स का खाना भी ले आता हूँ, डक का खाना भी ले आता हूँ, मैक्सी का खाना भी ले आता हूँ, और बुरी को भी खाना दे देते हैं, उसके बाद जो है वो मिलके बनाते हैं। हाँ देखो दोस्तों ये रहा हमारे एनिमल्स का खाना, और डक जो है वो समझ चुके हैं जिसकी वजह से मचा रहे हैं काफी ज्यादा शोर। तो फटाफट से दे देता हूँ अपने एनिमल्स का खाना। तो भाई ये तो है हमारे रैबिट्स का खाना, ये हमारे डक्स का खाना, और ये मैक्सी का खाना। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करूंगा अपने मैक्सी से। तो चलो भाई मैक्सी, मेरी तो सांस फूल गई जल्दी जल्दी आने में, और इतना तेज बोलना पड़ता है ना व्लॉग के लिए, तो इस वजह से सांस फूल ही जाती है। चलो भाई मैक्सी एंजॉय कर अपना खाना, और रैबिट का खाना तो मैं यहीं पर रख देता हूँ कि रैबिट जब भी देखेंगे इसको निपटाना शुरू कर देंगे। तो मैं ये ले लेता हूँ अब डक्स को। चलो भाई डक्स, ये लो एंजॉय करो अपना खाना आज का। ये देखो ये लड़ाई हो रही है रैबिट्स की और हमारी भूरी की, ये क्या बात है भूरी। चलो आओ वापस, चलो आओ तुमको मैं तुम्हारा खाना दूं। अरे दोस्तों हमारी भूरी ने जो है वो कल रात का खाना बचा लिया था, तो ये भी अब आएगा डक्स के नसीब में। तो भाई चलो डक्स भूरी का खाना खा लो, और अब मैं इसमें भरूंगा ताजा ताजा भूरी का खाना। दोस्तों अब मैंने जो है उसमें भर दिया है भूरी का खाना, और भूरी जो है वो मेरे पाँव में आती जाती है बार बार।
तो भाई चलो भूरी ये लो एंजॉय करे अपना खाना और मुझे काम करने दो अब वहाँ पर सुकून से। तो हमारा जो थोड़ा सा बहुत सा ब्लू कलर बच गया था उसी में मैं मिला दूंगा ब्राउन कलर, क्योंकि हमारे जो है वो ब्लू कलर में थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट आया। लेकिन खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, इतना तो चलता है यार। तो इसमें मैं अब मिला देता हूँ ब्राउन कलर। तो दोस्तों मिक्स हो चुका है हमारा ब्राउन कलर और अब मैं जो हूँ वो इसको थोड़ा सा शेक करता हूँ ताकि ब्लू और ब्लैक का जो है वो अच्छा सा डार्क के कॉम्बिनेशन आ जाए, लाइट नहीं हो जाए बस। और अब जो है वो मैं इसमें डाल रहा हूँ इसको ताकि थोड़ा सा ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले कलर और फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। हाँ तो मैं दोस्तों फाइनली अब जाके काम कंप्लीट हो गया, कम से कम मुझे जो है वो यहाँ पर 2 घंटे लगे हैं इस वॉल आर्ट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन फाइनली हमारा वॉल आर्ट जो है वो बिल्कुल ही अच्छे शानदार तरीके से कंप्लीट हो चुका है और यहाँ की जो लुक आ रही है ना दोस्तों क्या ही बात है, चले दिखाता हूँ। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को हमारे मिनी जू का नया बैकग्राउंड कमेंट में लाजमी बताइएगा। और जब मैंने ये खोला है ना तो हमारी भूरी जो है पहली दफा मुझसे अलग होके ऊपर चली गई है, ऊपर जाके आवाजें मार रही है। तो चले हम लेकर आते हैं अपनी भूरी को। तो चले भाई मैं आ गया ऊपर। अरे ये क्या दोस्तों, ये देखिए ये क्या कर रही है, ये कौन सी जगह यार भूरी। चलो नीचे आओ, चलो आओ। अरे भूरी ये क्या हरकत थी दोस्तों, ऐसा हमारा मैक्सी करता है, बिल्लू करता है और हमारी जो नीचे वाली बिल्ली है ना फियोना वो ऐसे हरकत करती है और ये अपने छोटे कद का फायदा उठाकर ऐसी हरकतें कर रही है। अब इसको जो है वो अकेले छोड़ने का नहीं है बिल्कुल भी, इसके ऊपर से भी मेरा भरोसा उठ गया है यार, गिर भी सकती है। नीचे देखे कितनी ऊंची जगह है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी हुआ जोर से हवा चली तो ये गिर जाएगी। हाँ तो दोस्तों मैंने जो है वो अपने सारे के सारे एनिमल्स को खाना दे दिया था, डक्स को उनके डक हाउस में खाना दे दिया था, रैबिट्स को उनकी सब्जियां दे दी थी, मैक्सी को उसके केज में उसका खाना दे दिया था, बूरी को भी खाना दे दिया था। और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को हमारा मिनी जू जो है वो ऊपर से कैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों क्या ही जबरदस्त सी लुक आ रही है और बिल्कुल अब जो है मुझे मिनी जू से प्यार होने लगा है कि हमारा मिनी जू कैसा था शुरू में और अब कैसा हो गया। जो लोग मुझे फर्स्ट व्लॉग से देख रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा और जो लोग न्यू है, न्यू सब्सक्राइबर है, उन लोगों को तो हिस्ट्री पता ही नहीं है, तो जाके पिछले व्लॉग भी लाजमी देखिएगा, आप लोगों को पूरा का पूरा आइडिया हो ही जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी भूरी को लेकर नीचे, बल्कि भूरी जो है वो उससे नीचे चली गई है और नीचे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रही भाई हमारी भूरी, तो चलो भाई भूरी चलो फटाफट से मिनी जू में। और अब जो है मैं ये वाला गेट बंद कर देता हूँ, चारपाई को ही मैंने गेट बनाया हुआ है, अच्छी खासी इससे जो है वो सेफ्टी हो जाती है, कोई एनिमल जो है वो हमारा यहाँ से भाग नहीं सकता है जब ये लगा हुआ होता है। तो हाँ भूरी अब जाके दिखा रहे जरा, अब जाके दिखाओ, जंप करोगी क्या, करके दिखाओ जंप, जाओ नहीं जा सकती ना अब। दोस्तों भूरी ने नीचे आते साथ ही अपना खाना पीना स्टार्ट कर दिया, सॉरी खाना स्टार्ट कर दिया है और हमारे रैबिट जो है वो वहां पर अपनी सब्जियां एंजॉय कर रहे हैं। मैक्सी मेरा छोटा सा प्यारा सा मैक्सी बैठा हुआ है कि कब मैं इसको इसके केज से बाहर निकालूंगा और हमारे डग जो है वो वहां पर पैक पैक कर रहे हैं। तो चले भाई मैं निकाल देता हूँ अब अपने मैक्सी को। तो चलो भाई मैक्सी आ जाओ। और दोस्तों मैक्सी का मैंने एक निक नेम रखा है, आप लोगों को भी लाजमी बताऊंगा किसी ना किसी व्लॉग में और बड़ा ही फनी सा इसका नेम है तो आप लोगों को जानकर भी बड़ी हैरानी होगी। और ये मैक्सी जो है वो जा रहा है भूरी के पास, बल्कि भूरी मेरे पीछे आ रही है और मैक्सी जो है वो भूरी के पीछे आ रहा है, ये क्या सीन है। अरे हाँ मैक्सी ने तो अभी ये बैकग्राउंड देखा ही होगा मुझे बनाते हुए, लेकिन आप आ गया है ये करीब से एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई ये क्या न्यू चीज है, इसने क्या लगाया है, जरा सूंघ कर देखूं कहीं कोई खाने की चीज तो नहीं है। हाँ तो भाई बस खाना पानी मिल गया था, तुम लोगों को एंजॉय किया है ना अच्छे से। अरे चुप हो जाओ, चुप चुप नहीं होते यार ये बच्चू, इतना ज्यादा शोर मचाते हैं ना हमारे मिनी जू में, जो कोई भी आगे पीछे घर वाले हैं ना उन लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मुझे जो है वो 2-3 लोगों ने पूछा है कि यार छत पे क्या है तुम्हारे पास, मकाओ है। मैं कहता नहीं यार वो डक्स है मेरी, बोले यार कि बड़ी जबरदस्त सी आवाज आती है। और ये रही हमारी ग्रीनी। हाँ तो भाई ग्रीनी क्या हाल है, खैर खैरियत से हो, खाना पीना खाया है ना तुमने, एंजॉय कर रही हो ना।
आगे दोस्तों, अगर आप लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें फटाफट से जाके, जब तक मैं लेता हूँ थंबनेल की पिक्चर। अरे यार दोस्तों, अभी मैं बिजी था यहाँ पर थंबनेल की पिक्चर लेने में, और मैक्सी जो है वो वहां पर चढ़ा हुआ था सामने वॉल पे, और अचानक से मैक्सी जो है वो गायब हो गया। मैं जो हूँ इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मैंने वहां पे झांका, इतनी मुश्किल से मैं यहाँ ढका, उसके अंदर कूदा, फिर उसके बाद मैंने पीछे देखा लेकिन मैक्सी मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैं जो वो एहतियातन तौर पर नीचे गया तो देखा नीचे था मैक्सी। मेरी हालत ऐसी खराब हो गई थी यार, ये कहाँ चला गया, अब तो आएगा ही नहीं। हाँ तो भाई दोस्तों, अब जो है वो मगरिब का टाइम होने वाला है और अब बारी है कि मैं बंद कर दूं अपने रैबिट्स को उनके रैबिट हाउस में, और फिर ये सफाई करूं इन कचरों की जो कि आज मैंने वॉल आउट बनाने में इस्तेमाल करी थी, और सब कुछ जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। तो अब बारी है कि मैं बंद करूं अपने रैबिट्स को उनके रैबिट हाउस में, एक एक करके। एक चला गया, ये रहा दूसरा, और अब बारी है सिर्फ और सिर्फ हमारी भोलू की, तो ये भी आ गई भोलू। तो चलो भाई फटाफट से एक एक करके अंदर अंदर, मगरिब का टाइम होने वाला है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता कि अब हमारा कोई भी रैबिट मरे, समझे तुम लोग। अब मैं इस शरारती बिल्ले को भी बंद कर देता हूँ क्योंकि इसको खोलने का तो कोई फायदा नहीं होता, ये मेन जो का एक्सप्लोर नहीं करता, पूरे के पूरे घर को एक्सप्लोर करता है। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल ज़ैन खान व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।